अब सेकंड बी पार्ट पे आ गए, तो ये भी अब आपके लिए बहुत ही ईजी होगा अगर आप ढंग से करेंगे तो। गलती होने का चांस खत्म हो चुका है क्योंकि आपको मोमेंटम कंजर्वेशन कोलिजन इन सब के आइडिया है। ठीक है, आप गलती नहीं करेंगे इसमें। देखो आपका ये बॉल आ रही है वी नॉट से, अब ये पार्टिकल आके स्ट्राइक करेगा पीछे से। ठीक है, आफ्टर कोलिजन मान ली गई वेलोसिटी वी वन वी टू, प्रोसीजर वही है। आपको फार्मूला याद ना है तो बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीड करें। ठीक है ना, अब इसमें तो करना ही पड़ेगा, याद तो कितना रखूंगा। इसमें कुछ अलग आ जाएगा, इसमें आ जाएगी स्पीड आफ्टर कोलिजन 2v0 - v। ठीक है ना, मतलब अपोजिट आ रही है, माई वी माइनस 2v0 आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में वी माइनस 2v0 से लौटेगा इससे टकराने के बाद। भारी वॉल जो इधर जा रही है, तो अगर इधर ही जाती होती अब तो ये वापस किससे लौट जाता, 2v0 + v से लौट जाता है, अब वी माइनस 2v0 से लौट गया। ठीक है ना, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें दिक्कत नहीं। लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वन उठा के उसमें रखा, एम डब्ल्यू से डिवाइड कर दिया, तो एम डब्ल्यू उसमें जहाँ नीचे आया, एम डब्ल्यू बहुत ज़्यादा होने के कारण कैंसिल आउट हो गया, तो आफ्टर कोलिजन जो वी वन आई वो नेगेटिव आ रही है, वी माइनस टू। गैस मॉलिक्यूल उसकी ज़्यादा है वी नॉट से, जनरली गैस मॉलिक्यूल बहुत तेज चलते हैं। ठीक है, तो वी माइनस टू वी नॉट, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया, वी वन उठा के रख दो, वी वन उठा के रख दिया, इधर ही पॉजिटिव मान के चल रहे हैं आप, तो वी वन एम वी वन मोमेंटम इनिशियल माइनस एम वी वैल्यूज रिप्लेस कर दी, तो इतना मोमेंटम चेंज आ गया इसका। नेगेटिव डायरेक्शन में आया तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, तो इसने वॉल्स पर, अब देखो एफ वन एफ टू ऐसे ही लगेंगे बेटा, इधर वाला तो कैसे फोर्स लगा रहा है, इधर लगा रहा है पीछे से आने वाले अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स एफ वन माइनस एफ टू होगा। बट अभी तक आप सिंगल मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज निकाल पाए हैं, दूसरा फैक्टर अभी बाकी है जो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है बेटा, दोनों केसेस में इधर से मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हो या पीछे से स्ट्राइक कर रहे हो। ठीक है, दोनों केसेस में आप सिंगल मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज बिल्कुल लिख सकते हैं। पार्थवी क्लियर है ना, आप थोड़े लेट आए थे, देखो दिक्कत तो नहीं गई, क्लियर है बेटा, है ना। ओके ओके, तो अब आपको क्या करना है, फिर आप ध्यान रखें, यहीं भूल जाए आप, यहीं पे रह जाए, ऐसा नहीं करना है। अब आपको पता है आगे एक स्टेप और बाकी है, बिल्कुल वही है बेटा, उसका बस एक्सटेंडेड वर्जन है कि हमने वहाँ पे कंटेनर की वॉल स्टेशनरी मान ली थी, बट अगर वो भी जैसे इसने क्वेश्चन दिया कि ब्लॉक अंदर ही मूव कर रहा है गैस के, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो ऐसा कुछ भी आपको एडवांस में दिख सकता है क्योंकि उसी एनालिसिस पर बेस्ड है पूरा। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम, इन यूनिट टाइम कितना होगा, नंबर ऑफ कोलिजन इन यूनिट टाइम एन वन हो जाएगा, फिर वही कहानी की टोटल पर सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर कर लेंगे। ठीक है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी प्लस वी नॉट हो जाएगी। ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी वी प्लस वी नॉट, तो वी प्लस वी नॉट दूर के इस पर स्ट्राइक कर देंगे, और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वी प्लस वी नॉट। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बेटा आप, क्योंकि पहले ये वॉल पहले स्टेशनरी थी तो वी वी डिस्टेंस ही आ रही थी, अब ये खुद मूव कर रही है। ठीक है ना, तो पर सेकेंड कितने मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे, ए इंटू वी प्लस वी नॉट डिस्टेंस। क्लियर है आपको, क्योंकि 1 सेकेंड में ये भी मूव कर जाएगी, वो भी मूव कर जाएगी, तो जहां से मूव करना शुरू किया था सारे मॉलिक्यूल्स कवर हो गए। ठीक है, तो इसलिए वी प्लस वी नॉट इंटू ए, इतने दूर के इतने वॉल्यूम के आएंगे, फिर आप एन से मल्टीप्लाई करेंगे, एन वही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब, कितना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब है। बट आपको पता है कि आपको क्या करना है, इस वॉल्यूम में जो सारे आ रहे हैं सारे उधर ही थोड़ी नहीं जा रहे, कोई टकरा के वापस भी आ रहे हैं, तो इसलिए अब यहाँ पर एक टू का फैक्टर दोनों तरफ लगा देंगे। इधर से कितने मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी होगी एक मॉलिक्यूल की, वी माइनस वी नॉट, तो इधर से पीछे से जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो कम है, जो आगे से स्ट्राइक कर रहे हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इधर वेलोसिटी सेम होने से ज्यादा वॉल्यूम कवर हो पा रहा है, उधर से कम हो पा रहा है, बट यहाँ पे 1/2 के फैक्टर दोनों में आ जाएंगे, दोनों में वही केसेस हैं, किसी भी वॉल्यूम में आ रहे हैं तो उतने वापस जा रहे हैं। ठीक है, तो बस बात सब क्लियर है आपको, बस नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करके आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल पाएंगे। तो एन वन है आपका, तो आपने देखा था वहां पे मोमेंटम चेंज पहले वाले केस में कितना था, इस वाले केस में जब ऐसे ऐसे जा रहे थे, कहाँ निकाला था, ये रहा 2m इंटू वी नॉट प्लस वी, तो इसको नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया,
आपसे एक पार्ट भी पूछ सकता है, केवल इधर का फोर्स बताओ, वो भी आप कर सकते हो। 2m into v0 + n1 लिख दिया यहाँ से, ठीक है। तो आपका F1 आ गया यहाँ से, mn into a into v + v0² आ गया, ये F1 आ गया, mn into a v + v0² mn into a v + v0² इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। और सिमिलरली आप दूसरी साइड से भी निकाल दीजिए, उसमें क्या, वहाँ पे n2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो n2 से उस मोमेंटम चेंज को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका इधर से फोर्स आ गया, ठीक है। तो इस क्यूब पर दो तरफ से फोर्स लग रहे हैं बेटा, ठीक है ना, देख रहे हैं, इस क्यूब पे दो तरह से फोर्स लग रहे हैं, दोनों साइड से फोर्स लग रहे हैं, मतलब मैंने एक ही वॉल बना रही है बेसिकली, ऐसा ही है क्यूब, ऐसा है आपका। तो F1 इधर से लग रहा है और F2 उधर से लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, F1 - F2, वो लिख दिया मैंने। वहां से भी v+v0² - mn into a v - v0² आ रहा है, सब्ट्रैक्ट किया तो इस तरह का बन जाएगा आपका, वेव इंटू एन पता है आपको डेंसिटी बन जाती है, तो 4 ρ a v into v0, ठीक है। बट आंसर इसका जो था टेम्परेचर के टर्म में है, ये तो आपकी ब्लॉक की स्पीड है, एरिया ऑफ क्रॉस अप फिक्स है, वी आप टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल की स्पीड, ठीक है ना, सिंगल मॉलिक्यूल। तो एवरेज स्पीड लिखना पसंद करूंगा यहाँ पे, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स की अलग अलग हो सकती है, तो एवरेज लिखते हैं। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड आप ऐसे निकालेंगे, बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो आपने निकाली थी ना उससे लिखेंगे, ठीक है ना। v² = 3 kBT, यही था आपका, पर मॉलिक्यूल एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kB into T, ठीक है ना। तो इसमें ये जानने की जरूरत नहीं कौन सी गैस है, मोनो एटॉमिक है डायटॉमिक, इससे कोई लेना देना नहीं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सारी गैसेस में ही है, ठीक है ना, 3/2 kB into T। v² आ गया, तो यहाँ से आपकी एवरेज स्पीड आ गई √3 kBT/n, ठीक है ना, सिंगल मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखो आपको क्या चाहिए, वी की जगह आप क्या रखोगे, ये आपका केवल एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट आना चाहिए, आपने शुरू से लिखा नहीं, बट हियर वी इज वी एक्स, ठीक है। तो ये आप इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, देखो vx² कितना आएगा, vx² लिखना है मेरे को यहाँ पर, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता, हो गया है, तो ये vx है, तो vx² चाहिए मुझे, तो तीनों बार तो बराबर होने ही है, तीनों कंपोनेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो vx किसके बराबर है, v/√3 के, तो vx² क्या हो जाएगा, v बार ही है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं, हियर वी इज vx², ये देख लो मैंने वहां पे, फिर वी ले लिया मैंने, या तो मैं इसको कुछ बोल दूं, क्या बोलूं उसको, v1 बोल देते हैं, और क्या बोलूं, तो पर मॉलिक्यूल की जो स्पीड है, तो vx² था ना, तो वहां से उससे कंफ्यूजन ना हो, v1 कर दो, ½ m v1² v1 √3, ठीक है ना। तो v1 √3 की v1 की वैल्यू यहाँ से रख दो, vx² आ गया आपके पास, तो यहाँ पर vx² रखना था आपको, 4 ρ√kBT/m v0, ठीक है ना, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल जो आ रहे हैं बेटा, उसके तीनों कंपोनेंट है ना गैस मॉलिक्यूल के, vx, vy, vz, या मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर, हम कह रहे लिए केवल vx काम का, ठीक है ना, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये कोई चेंज कर नहीं रहा, क्योंकि ये नॉर्मली फोर्स लगाए, ठीक है, तो वैसे ही रह जाएगा। बट आपकी जो स्पीड है, ये तो नेट स्पीड देती है ना, ये तो नेट स्पीड है, इसमें तीनों कंपोनेंट है, तो इसको एक कंपोनेंट की टर्म में, क्योंकि तीनों कंपोनेंट बराबर होते हैं, कोई मैंने बताया ग्रेविटी का इफेक्ट हटा रखा है, तो ऐसा नहीं कि नीचे गिरने वाले ज्यादा हो, हर डायरेक्शन में सेम है, कोई vx, vy, vz अलग नहीं हो सकते, तो इसलिए vx तीनों बराबर करके vx v1/√3 आया, पर मॉलिक्यूल काइनेटिक, ये भी आगे भी एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, इसका कभी काम में आ जाए, ठीक है। तो ये v/√3, तो इसका vx² आ गया, इसको उठा के रख दिया बस मैंने, 4 ρ√kBT/m v0, तो 4 ρ√kBT/m, ये आपका आंसर होगा, इतना फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे। अगर आप टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल का मास जो है, v0 जो उसकी स्पीड है ब्लॉक की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्लॉक, रो इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है, इतना फोर्स उस ब्लॉक पे लगेगा। तो दो दीवारें बना के दोनों तरफ से फोर्स लिख के, एक तो पर मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज इंपॉर्टेंट है वो निकाल लेंगे आप, फिर डेंसिटी कितनी है, अगर पर मीटर क्यूब स्मॉल एन है तो कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इंपॉर्टेंट है,
फिर वो भी आ गया, तो ये वी एक्स बार आ रहा है बेसिकली नेट फोर्स। तो एवरेज फोर्स के लिए वी एक्स बार निकालना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एवरेज स्पीड पर मॉलिक्यूल वी बार है तो वी एक्स बार कितना होता है, वी बार अपॉन √3 होता है, ये भी पता पड़ गया हमको। ठीक है, पर मॉलिक्यूल एवरेज स्पीड निकालनी है, कहाँ से निकालनी है, इससे निकाल सकते हैं आप पर मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो मैंने याद करने को बोला था आपको, पर मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 KBT होती है। चलिए, और कोई दिक्कत बेटा किसी को भी इस टॉपिक में बताइए।